इसराइल में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सेना इसराइल भेजी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर लाल सागर के रास्ते इसराइल पहुंच रहा है। ये ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। भारत और बांग्लादेश के बीच 50 साल बाद जमीन की अदला बदली हुई है। बांग्लादेश के लोगों ने इसे ईद का तोहफा बताया है। भारत ने बांग्लादेश को सीमावर्ती ठाकुर गांव के रानी शंकोई उपजिला की 56.86 एकड़ जमीन सौंपी। इसके जवाब में भारत को भी बांग्लादेश ने 14.68 एकड़ जमीन हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर्स से मुलाकात की और उनसे गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। इन 7 गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश और उसके साथी पायद अंशु तीर्थ और गणेश गंगाधर शामिल हैं। इन सभी गेमर्स के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर्स से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इन गेमर्स के साथ गेम्स भी खेले। इस दौरान गेमर्स ने पीएम से कहा कि आपको देखकर दिल में अब तक हो रहा है, तो मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा होने दीजिए। वहीं प्रधानमंत्री ने गेमर्स से गेमिंग इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी पर भी चर्चा की। मध्य प्रदेश में इन दिनों कई पार्टी नेता बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। मंत्री दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में सभी ने बीजेपी की सदस्यता ली। मंत्री दिलीप जायसवाल ने सभी कार्यकर्ताओं का बीजेपी में स्वागत भी किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। महासमुंद जिले में अनिवार्य मतदान को लेकर कलेक्टर प्रभात मलिक ने अधिकारी कर्मचारियों के साथ वॉकथॉन में भाग लिया। करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया, तो वहीं महासमुंद के मिनी स्टेडियम में कलेक्टर ने सभी को मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर दर्ज एफआईआर को लेकर बयान दिया। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि कवासी लखमा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लखमा को राजनीतिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्षता के साथ में संपन्न हो सके। इस दौरान अरुण साव राहुल गांधी के बस्तर दौरे पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। जबलपुर में रोड शो, बालाघाट में जनसभा के बाद प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को होशंगाबाद के पिपरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर जनता में काफी उत्साह का माहौल है। मोदी की सभा को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां भी की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पांडुना पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियां बताई और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस ने देश पर राज किया, लेकिन कांग्रेस के पास पिछले 10 साल में नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए कोई सांसद नहीं है। सोनभद्र के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के बीडर गांव में मिनी सिलेंडर में अचानक आग लगी, जिसकी चपेट में आने से 5 लोग झुलस गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सूर्यदेव मेहता अपने 2 बच्चों के साथ 2 दिन पहले गांव में वैवाहिक कार्यक्रम में आए थे। इस बीच नाश्ता करने के दौरान जैसे ही गैस चालू किया, वैसे ही सिलेंडर में आग लग गई। धमतरी के बुराई थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल बीती रात डीआरजी और सीआरपीएफ 211 बटालियन की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। इस बीच सर्चिंग के दौरान पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें जवानों ने हथियार, मोर्टार और सोलर पैनल समेत कई नक्सली सामग्री भी जब्त की है। जवानों का जंगल में सघन सर्चिंग अभियान अब चल। राम सनेही घाट बाराबंकी में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 31 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उपचार जारी है। सीएमओ अवधेश यादव ने बताया कि सभी लोग खतरे से बाहर हैं। बासी खाना खाने की वजह से लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। फर्रुखाबाद जनपद में पुराने विवाद को लेकर आतंक देखने को मिला। दरअसल रणवीर सिंह का गांव के ही एक राम हसीन सहित 5 लोगों से पुराना विवाद चल रहा था। रणवीर सिंह ने ये लोग पुराने विवाद में समझौते का लिए दबाव बना रहे थे। समझौता नहीं करने पर दबंगों ने घर में घुसकर करीब 30 लोगों के साथ मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। ग्राम हरिहरपुर में
के पास दो बाइकों की भिड़ंत में दो लोग घायल हो गए। दोनों घायल धर्मवीर और गोपाल को ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं घायल धर्मवीर की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। गुटेगांव राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और युवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने रोड शो किया और लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं का विशाल रोड शो भी देखने को मिला। कानपुर में खालसा सृजना दिवस के अवसर पर गुरमत समागम का आयोजन किया गया। यह आयोजन गुरुद्वारा दुख निवारण संकट हरण सरसैया घाट में कराया गया। वहीं कुलवंती हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क मेडिकल जांच भी की गई और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 51 लोगों ने रक्तदान किया। कानपुर में मिशन त्रिनेत्र के तहत कमिश्नरेट की ओर से अपराध पर लगाम लगाने पूरे शहर में अभियान चलाया जा रहा है। आज उसी कड़ी में थाना चकेरी के थाना प्रभारी अशोक दुबे के नेतृत्व में सफीपुर निवासी अन्ना उर्फ छोटू शूटर को पुलिस ने धर दबोचा, जो साहिल ठाकुर गैंग का सक्रिय शूटर बताया जा रहा है। एटा से ईद के दिन पिकनिक मनाने आए 9 दोस्तों में से 5 की नहर में डूबने से मौत हो गई। कासगंज में 5 दोस्तों के शव तीसरे दिन नहर में कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाले। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। आपको बता दें कि सभी दोस्त नहर में नहाने के लिए उतरे थे, देखते ही देखते भंवर में फंस गए, जिसकी वजह से इस प्रकार का बड़ा हादसा हुआ और मौत हो गई। ग्राम बड़गान में किसान गोविंद ठाकुर के खेत पर काम कर रहे मजदूर के थ्रेसर में फंसने से मौत हो गई। मौके पर मौजूद किसान ने आनन-फानन में मजदूर को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी परशोत्तम रूपाला का कर्णी सेना ने पुतला जलाया है। दरअसल रूपाला ने एक सभा में क्षत्रिय समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर देशभर में क्षत्रिय समाज का विरोध तेज होते जा रहा है। इसी क्रम में कर्णी सेना परिवार ने विरोध कर उनकी जिम्मेदारी और उनकी उम्मीदवारी निरस्त करने की मांग की। उन्नाव के चंदन घाट में नहाते समय भाई बहन समेत 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। एक बच्चे के सकुशल बचने के बाद परिजनों को जानकारी मिली। वहीं 4 बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने 4 को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ बीजापुर के 2 अलग अलग थानों में FIR दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस के जवानों को तीर धनुष से मार भगाने और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने पर भारत निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। पिछोर थाना पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक कार से 50 पेटी अवैध शराब जब्त की। जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी रत्नेश सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति कार से अवैध शराब लिए मलवहानी गांव की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने शराब का परिवहन करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र में आज सुबह सीतापुर के मछरे हटा थाने में तैनात दरोगा ने थानाध्यक्ष पर उत्पीड़न और विवेचना में रुपए मांगने का आरोप लगाकर सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर दी है। इसी मामले में दरोगा के परिजन ने उसका शव रखकर थाने के SHO पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने को लेकर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। स्थानीय पुलिस ने काफी पूछताछ के साथ काम किया। पुलिस जनता को सुरक्षा की ही प्रदान नहीं करती, बल्कि समाधान भी देती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने एक ऐसी मिसाल पेश की है, जहां पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि 120 टूटते परिवारों को जोड़ने का सराहनीय कार्य किया है। इस दौरान पति पत्नी ने फिर से एक साथ रहने पर सहमति जताई, तो वहीं SP ने सभी परिवारों को पुष्पांजलि अर्पित की। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में लोग व्रत में ज्यादातर कुट्टू या शामक के आटे से बनी रोटी का सेवन करते हैं, लेकिन बाजार में मिल रहे कुट्टू या शामक का आटा कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। दरअसल अंबाला छावनी में शामक के आटे से बनी रोटी खाने की वजह से एक परिवार के 5 लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बांदा संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि बांदा के मर्दन नाका इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। परिजन ने मृतक के साथियों पर सुनियोजित ढंग से हत्या करने का आरोप लगाया। अस्पताल में परीक्षण के दौरान डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जबलपुर में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना रामनगरा बोर्ड के पास की है। छात्रा स्कूल से लौट रही थी कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो छात्र ट्रैक्टर के चक्के के नीचे आ गए, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दो छात्र घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। फरुखाबाद में दो बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें दोनों बाइकों पर सवार चार लोग घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को नवाबगंज CHC भेजा, जहां चिकित्सक ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य लोगों को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। लोहिया अस्पताल ले जाते समय एक की मौत हो गई, जबकि दो घायलों का इलाज जारी है। घटना मोरापुर थाना क्षेत्र की है, जहां शव को मोर्चरी में रखवा कर पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। ग्वालियर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां देर रात घर में शादी होने पर खरीदारी कर लौट रहे एक ही परिवार के 6 लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंद डाला। लोगों को रौंदते हुए कार आगे एक बिजली के पोल से टकरा गई। घटना में एक ही परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए हैं। घटना रॉक्सी टॉकीज के पास माधोगंज इलाके की है। बिजली के पोल से कार के टकराते ही स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। भानुप्रतापुर के ग्राम संबलपुर में सिलेंडर से भरी मोटाडोर ने बच्ची को ठोकर मार दी, जो रोड पार करते वक्त हादसे का शिकार हो गई। बच्ची संबलपुर पेट्रोल पंप के पास रुकी हुई थी। इसी दौरान बच्ची विपरीत दिशा पर दौड़ गई और वाहन की चपेट में आ गई और मौके पर ही बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। रीवा में शुक्रवार को बोरवेल में गिरे 6 साल के आदिवासी बच्चे को बाहर निकालने का काम 18 घंटे से लगातार जारी है। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बच्चा शुक्रवार को दोपहर करीब 3:30 बजे 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था। रेस्क्यू टीम बोरवेल से पैरेलल 8 JCB मशीन से खुदाई कर रही है। फिलहाल बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। जबलपुर के भानतलिया स्थित 800 साल पुराने बड़ी खीर माई मंदिर में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला। आवारा पशुओं के जमावड़े के कारण मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदिशा में विठल नगर में रहवासी कॉलोनाइजर की मनमानी से परेशान है। मामले को लेकर शुक्रवार को लोगों ने मिलकर कलेक्ट्रेट में शिकायत की। लोगों का कहना है कि कॉलोनाइजर की मनमानी के चलते कॉलोनी की बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं होती, जबकि लोगों को कॉलोनी में सभी तरह की सुविधा देने का वादा किया गया था। सुनवाई नहीं होने पर लोग अपनी शिकायत लेकर सुजालपुर अभिभाषक संघ ने SDM को तहसील के बाबू पर कार्रवाई करने की मांग की है। अभिभाषक संघ के वकीलों ने कहा कि तहसील का बाबू खुलेआम रिश्वत लेता है, जिसका फोटो SDM को दिखाया गया। सुजालपुर कोर्ट के वकीलों ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है, लेकिन बावजूद इसके अवैध कब्जे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मथुरा जिले के गोवर्धन का है, जहां राधाकुंड मार्ग संत नगर कॉलोनी में रहने वाले सोमदत्त की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर अवैध निर्माण कर रखा था। पीड़ित ने कई बार अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं अब पीड़ित सोमदत्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। सीतापुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में बाइक रैली निकाली गई, साथ ही मतदाताओं को शपथ ग्रहण कराया गया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बाइक रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने किया। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जिले में युवाओं को नशे से की लत से छुटकारा दिलाने के लिए नशा मुक्ति का एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जन जागृति पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए अन्य प्रयास भी अभियान के तहत किए जाएंगे। देशभर में चैत्र नवरात्रि श्रद्धाभाव के साथ मनाई जा रही है। मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिद्धपीठ विध्याचल धाम में आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी अपने तीनों स्वरूपों में विराजमान है। माता अपने भक्तों को लक्ष्मी, काली और अष्टभुजा सरस्वती के रूप में त्रिकोण दर्शन देती है।
अयोध्या में स्थित राम मंदिर में रामनवमी पर्व को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। अब रामनवमी पर राम मंदिर में विज्ञान का चमत्कार भी देखने को मिलेगा। रामनवमी पर स्वयं सूर्यदेव 4 मिनट तक रामलीला के ललाट पर सूर्य तिलक करते हुए नजर आएंगे। प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक का ट्रायल भी हो चुका है। दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स को पहली बार हराया है। टीम ने मौजूदा सीजन के 26वें मुकाबले में सुपर जायंट्स को 6वें विकेट से मात दी थी। मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया। लखनऊ ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 60 विकेट पर 167 रन बनाए। बॉक्सिंग लीजेंड मैरीकॉम ने आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के सेफ्टी मिशन के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष पीटी ऊषा ने इसकी घोषणा की है। पीटी ऊषा ने कहा कि हमें दुख है कि मैरीकॉम ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया। हम उनके फैसले और उनकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं। फिल्ममेकर पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को साल 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। इसकी अनाउंसमेंट पेरिस में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। पिछले 30 सालों के बाद कांस के इस सेक्शन में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय फिल्म होगी। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पुराना वीडियो शेयर किया है। शेयर की गई वीडियो में हेमा मालिनी क्लासिकल डांस करती नजर आ रही हैं। कंगना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 20 साल की हेमा जी स्टेज पर परफॉर्म कर रही है। हेमा जी अब भी स्टेज पर 3-4 घंटे लंबी परफॉर्मेंस दे सकती है। जो लोग डांस म्यूजिक और कला का मजाक बनाते हैं वो नीच और छोटी मान्यता वाले हैं। डायरेक्टर नितेश तिवारी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण की शूटिंग पर जुटे हुए हैं। मेकर्स इन दिनों मुंबई के फिल्म सिटी में इसकी शूटिंग कर रहे हैं, जिसे जल्द ही रणबीर कपूर भी ज्वाइन करने वाले हैं। इसी बीच मेकर्स इस फिल्म को बड़े लेवल पर बनाने में जुटे हुए हैं। एक रिपोर्ट की माने तो फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा इसके लिए इंटरनेशनल कंपनी वॉर्न ब्रॉस से भी डील करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 6 दिन से आंधी बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है। आज भी ऐसा ही मौसम रहा। आपको बता दें कि प्रदेश के आधे हिस्से में तेज आंधी और हल्की बारिश का अनुमान भी है। नर्मदापुरम छिंदवाड़ा समेत 13 जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को इंदौर उज्जैन और देवास में तेज बारिश हुई। हरियाणा में आज रात से मौसम बदल जाएगा। एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से 16 अप्रैल तक मौसम ज्यादा खराब रहने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के साथ ओले गिरने के भी आसार हैं। इस दौरान चलने वाले हवा की स्पीड भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मौसम विभाग ने यमुनानगर समेत 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। उत्तर प्रदेश में आज 40 जिलों में मौसम विभाग ने आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया था। इन दिनों आपको बता दें कि जिले में तेज हवाएं चलने के साथ बारिश और बूंदाबांदी का अनुमान भी है। कल भी प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा। विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इनमें 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। दिन के तापमान में बहुत अधिक बदलाव की संभावना नहीं है, यानी गर्मी से राहत रहेगी। 15 के बाद तापमान में मौसम खुलने से तापमान में वृद्धि होगी। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश में समुद्र से लगातार नमी आ रही है। इसके असर से शुक्रवार को भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। राजस्थान में आज अंधड़ के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान के 30 जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में 30 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इधर जयपुर सीकर अजमेर पाली के एरिया में भी आज हल्के बादल छाए हैं।